आपका जीवन ही ध्यान बन जाता है, अलग से ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। इसलिए मैं हमेशा अपने शब्दों से, अपने इशारों से, अपने हाव भाव से, जो कुछ मेरे इर्द गिर्द रहता है उससे इतना ही संदेश देने की कोशिश करता हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में हंसी हो, नाच हो, गान हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, लेकिन होता क्यों नहीं? बाबा गोरखनाथ के अद्भुत वचन हैं, हंसीबाग खेलीबाद धरीबा ध्यानम, बड़ा अद्भुत वचन है। इसका सार सिर्फ इतना है, हंसना खेलना नाचना आपको आ जाए, आपके जीवन जीने की शैली का अंग बन जाए, तो आपका जीवन ही ध्यान बन जाता है, अलग से ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। इसलिए मैं हमेशा अपने शब्दों से, अपने इशारों से, अपने हाव भाव से, जो कुछ मेरे इर्द गिर्द रहता है उससे इतना ही संदेश देने की कोशिश करता हूँ कि हंसो, खेलो, नाचो, आनंदपूर्ण हो जाओ। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी भी सीखने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक नृत्य करने वाला नर्तक नाच उठता, कोई दर्शन शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने संबुद्ध व्यक्ति इस पृथ्वी पर हुए हैं उसमें से अधिकांश लोग अनपढ़ थे। और तुम सोचो कि तुमने उपनिषद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ी, बाइबल नहीं पढ़ी, इनके अर्थ, इनकी व्याख्याएं तुमने नहीं की, इनको समझा नहीं, कैसे तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हो? ये ना समझिए, हंसो, खेलो, नाचो, गाओ, कैसे तुम्हारी जीवन शैली भी आ जाए? प्रश्न उठता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में हंसी हो, नाच हो, गान हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, लेकिन होता क्यों नहीं? सिर्फ एक कारण है कि तुम हंसना नाचना गाना नहीं जानते हो। तुम्हारा हंसना नाचना गाना ऑकेजनल है, कभी कभी होता है, कभी कोई होली आ जाए, कभी दिवाली आ जाए, या कोई क्रिसमस आ जाए, या कोई त्योहार का दिन आ जाए, तो थोड़ा सा हंसने नाचने गाने का प्रयास करते हो, थोड़ी औपचारिकता करते हो। ना हंसना होता है, ना नाचना होता है, ना गाना होता है, सिर्फ हंसने नाचने गाने और खेलने की औपचारिकता होती है। औपचारिकता से कोई परिणाम नहीं मिलता है। तुम हंसते हो, तुम्हारे होठों को देख कर लगता है कि होठों का व्यायाम कर रहे। तुम नाचते हो, तुम्हारे पैरों में थिरकन नहीं होती। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि भीतर से तुम खुश नहीं हो, कि मानसिक तल पर, भावनाओं के तल पर तुम कहीं उलझे हो, अशांति में, तनाव में, उपद्रव में। जिन पैरों की क्षमता है गहन नृत्य में संलग्न होने की, वो पैर नृत्य नहीं कर पाते। तुम्हारे चेहरे पे नृत्य की आभा नहीं आती, तुम्हारे प्राणों का संगीत तुम्हारे रोए रोए से नहीं झलकता, तुम भीतर से खुश नहीं रहते हो। यही मेन कारण है। अगर भीतर से खुश हो जाओ तो जो करोगे वही नृत्य बन जाएगा, वही संगीत बन जाएगा, वही खेल बन जाएगा।